दुर्ग के ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरों से खाद बनाने को लेकर भाजपा ने निगम पर लगाया है सवालिया निशान। ठेका कंपनी ने 600 टन प्रतिदिन कचरा साफ करने के नाम पर 60 टन भी साफ होकर खाद बनता नजर नहीं आया। दुर्ग के वार्ड 54 पोटिया कला स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में शहर भर से निकलने वाली गंदगियों को इकट्ठा कर ट्रेचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है, जिससे यहाँ कचरे का पहाड़ नुमा अंबार लगा हुआ है। इसका निष्पादन व कचरे से बनने वाली खाद को लेकर एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया, जिसका दावा है कि प्रतिदिन 600 टन कचरा अलग कर खाद बनाया जाएगा। वहीं मौके पर सिर्फ जाली नुमा प्लांट लगाकर बड़ी ही धीमी गति से कार्य होता नजर आया। वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा इसके निष्पादन को लेकर निजी कंपनी को लगभग 5,88,00,000 का ठेका दिया गया है। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम में हाल ही में शहर को स्वच्छ व सुंदर और शहर से निकलने वाले कचरे के बेहतर निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली नगरीय निकाय के अवार्ड में अपना दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं धरातल में यहां इकट्ठा हुए कचरों से आसपास के लोग काफी प्रभावित हैं। इस गंदगी से निकलने वाली बदबू और उठने वाले धुएं से आम जनमानस परेशान है। इसी कड़ी में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने दुर्ग नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाकर आमजनों को हो रही तकलीफ से कोई सरोकार होने का आरोप लगाया। साथ ही जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसके द्वारा तर व जल्द कचरों से खाद बनाने की प्रक्रिया पर अपनी नजर रखने की बातें कही। इस संबंध में न्यूज टीम को नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम दुर्ग कचरे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, हमारे घर से कचरा निकलता है वो मुक्कड़ में जाता है, मुक्कड़ से ट्रक में लोड होता है, हम उसे ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंचाते हैं। ये निष्पादन नहीं है, ये कचरे का परिवहन है। हम केवल कचरे को ढोके इस शहर में कचरे का पहाड़ बना रहे हैं। 5,88,00,000 रुपये जो दिया गया है उससे खाना पूर्ति की जा रही है, उसकी व्यापक जाँच होनी चाहिए। 600 टन प्रतिदिन कचरा निष्पादन के दावा करने वाली कंपनी से मैं पूछता हूँ कि 60 टन भी क्या आप कर पाते हैं? क्या आपके पास ऐसी मशीन्स हैं जो जाली नुमा मशीन, जिसे वो प्लांट बोल के बहुत बड़ा बता रहे हैं, ऐसी मशीनें इस शहर के लोगों ने 3 बार देखा है और 2-4 महीने में उसे कबाड़ होते भी देखा है। तो यह खाना पूर्ति का विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि उससे किस क्षेत्र को पाटा गया, किस क्षेत्र को समतल किया गया और किस क्षेत्र में इन्होंने पेड़ लगा के दिया। ये सारा काम उस एग्रीमेंट के तहत है, लेकिन धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में जैसा दुर्ग शहर चल रहा है, यह पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी इन, क्योंकि ना ये देखते हैं, इन्हें विधायक की परिक्रमा से फुर्सत हो तब ये मेरे शहर की नागरिकों की ओर देखे। माननीय महापौर जी, अभी भी आप ये जो कचरे का ढेर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीना दुभर हो रहा है, उसको सेक्रिएट करवाएं, उसका समतलीकरण करवाएं और एक प्लांट लगाएं जिससे कम से कम कचरे का निष्पादन कर सकें। अभी कचरे का खाद बनाने का दावा वहाँ किया जा रहा है। मैंने कल जाके वहाँ देखा है स्थल पे, तो प्लास्टिक तक को पीस के भेजा जा रहा है। ये इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है, लोग उसको समझेंगे कि यह जैविक खाद है और ख़रीद लेंगे। प्लास्टिक तक अलग नहीं हुई है, आप जाके उस कचरे के ढेर में देखेंगे तो प्लास्टिक के बारीक बारीक टुकड़े आपको दिखेंगे। माननीय महापौर जी, केवल और केवल दिल्ली में इनाम ले लेने से यह शहर नहीं चला करता। आप निकलिए, ट्रेचिंग ग्राउंड के हालात को देखिए, नालों के हालात को देखिए और इस शहर में जो लोगों को गंदगी से तकलीफ आ रही है उससे निजात दिलाने का कुछ प्रयास कीजिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।